नमस्कार जोहार, सुन रहे हैं आप झारबाव टीवी का डिजिटल रेडियो। आप झारखंड की प्रमुख खबरें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त धनबाद को दिए निर्देश। राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सोनू खातून को हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री का प्रवासी मजदूरों का वापस लाने का अभियान तेज। अंडमान से 4 जून को रांची वापस आएंगे मजदूर। और अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए सभी उपाय कर रही है। धनबाद की रहने वाली खिलाड़ी सोनू खातून, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में पदक प्राप्त किया है, लेकिन सोनू खातून का धनुष टूट जाने के कारण वो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने में असमर्थ थी। सब्जी बेचकर जीविका उपार्जन के लिए संघर्षरत थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वीडियो के माध्यम से जैसे ही जानकारी मिली, फिर उन्होंने उपायुक्त धनबाद को सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और सहायता स्वरूप तत्काल 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया। साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें अब सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निजी कंपनियों, पूंजीपतियों से मजदूरों को वापस लाने में यथासंभव सहयोग का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की एक कंपनी दिल्ली इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड ने सेवाभाव दिखाते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिए हाथ बढ़ाया है। झारखंड एवं अंडमान निकोबार की परस्पर सहमति एवं कंपनी के सहयोग से 4 जून को चार्टर फ्लाइट द्वारा झारखंड के श्रमिकों को पोर्ट ब्लेयर से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया जाएगा। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोव टीवी का डिजिटल रेडियो।